में नगर की जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय से नगर पालिका परिषद कार्यालय तक रैली निकालकर परिषद का घेराव कर खाली मटके फोड़े और नगर पालिका परिषद के परिसर में कपड़े धोकर विरोध प्रदर्शन किया। हरदा जिला मुख्यालय की कई कॉलोनियों में पेयजल, साफ सफाई, पार्क की दशा सुधारने जैसी समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय से नारायण टॉकीज चौक से होकर नगर पालिका तक रैली के रूप में पहुंचे और जमकर नारेबाजी की तथा नगर पालिका अध्यक्ष के चैम्बर में घुस गए और खाली मटके फोड़ दिए तथा नीचे परिसर में पहुंचकर गंदे कपड़े धोए और नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई इसमें अनुशासनहीनता थी। आज का जो कार्यक्रम है, एक बड़ा घेराव था, इसमें हज़ारों लोग जो हैं इसमें शामिल हुए और अलग अलग लोग, ना सिर्फ हरदा शहर के लोग लेकिन पूरे विधानसभा से। आप, हमने देखा कि सोनतलाई से लोग आए, हंडिया से लोग आए, खिड़किया से लोग आए। तो आज का ये जो घेराव था, मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक घेराव था। कई बार नगर पालिका के सामने अलग अलग मुद्दों को उठाया जा चुका है, अलग अलग लोग अलग अलग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के दिन ये दिखाई दिया कि किस प्रकार से पूरी कांग्रेस जो है, कई बार लोग कहते हैं कांग्रेस एकजुट नहीं है, मुझे लगा कि आज पूरी कांग्रेस एकजुट होकर हरदा के लोगों के लिए उसने अपनी आवाज उठाई और आगे भी हम उठाते रहेंगे। नेतृत्व में एवं ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे शहर की समस्याओं को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन में हमारी मांगे थी कि जो शहर में अव्यवस्थाएं फैली हुई, कचरा फैला हुआ है, गंदी नालियां हैं, पानी गंदा आ रहा है, पानी साफ मिल नहीं रहा, लोगों को पानी तक भी नहीं मिल रहा है, रोडों की समस्या है। एक पीला खाल पे बाईपास बन रहा था, उसको भी आज देख रहे हो आप कितने लंबे समय से पड़ा है, वो भी आज तक तैयार नहीं हुआ और बरसात आ गई फिर बंद हो जाएगा, काम बाईपास का कोई उपयोग ही नहीं हो पाएगा। इस तरह की शहर में पूरे समस्या व्याप्त है। आपने देखा बहुत आया तो महिलाएं उपस्थित हुई हैं, क्योंकि महिलाओं की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या, गंदे पानी की समस्या है और उनको निकलने के रास्ते की समस्या है। तो ये सब समस्याओं को लेकर हमने नगर पालिका को घेरा था, क्योंकि नगर पालिका को 9 महीने हो गए हैं। पहले भी इनकी नगर पालिका थी और वर्तमान में 9 महीने से नगर पालिका है, कोई काम नहीं हो रहा नगर पालिका में, लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो ये चेताने के लिए हम आए थे कि आज हम आपको घेरने आए हैं और चेता रहे हैं कि आगे 10 दिन में अगर कभी आपने ये समस्या का समाधान नहीं किया तो बृहद रूप में हड़ताल बंद भी किया जाएगा और यहाँ बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।